नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 18 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है महाशिवरात्रि, जाने महत्व और मुहूर्त। बिहार में पहली बार नैक मूल्यांकन के लिए 136 कॉलेजों का एक साथ दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। अब स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक साथ कर सकेंगे 2 कोर्स। रोहित राहुल क्रीज पर, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 263 रन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने 1793 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। रक्षा मंत्रालय ने ट्रेड्समैन, मेट और फायरमैन के कुल मिलाकर 1793 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी शिक्षा संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2023 तक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। आज है महाशिवरात्रि, जाने महत्व और मुहूर्त। आज महाशिवरात्रि का पावन व्रत है। ऐसी मान्यता है कि शिव और शक्ति का मिलन महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। आज के दिन को भक्त बड़े ही उत्साह के साथ शिव और गौरी के विवाह का उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन अपना वैराग्य जीवन छोड़कर भगवान शिव गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिए थे। महाशिवरात्रि के ठीक 15 दिनों के बाद ही होली का त्योहार भी मनाया जाता है। बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। बिहार के वैसे लोग जो बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं, उन्हें भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाओं का लाभ मिल पाए, इसके लिए दूसरे राज्यों में संकल्प योजना के अंतर्गत माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन की स्थापना की जाएगी। बता दें कि इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है, जिनके द्वारा बिहार के 10 जिलों में और बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में MCRC की स्थापना की जाएगी। यह प्रक्रिया अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। सेंटर खुलने के बाद में मजदूरों को गैस, राशन कार्ड व बिजली कनेक्शन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी तरह का पहचान पत्र बनाने में सहायता भी मिलेगी। अगर काम के बदले मनोदय कम मिल रहा हो तो उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही मजदूरों को कई अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ बहुत ही आसानी से मिल सकेगा। भोजपुरी गानों में द्व्यर्थी शब्दों पर एडवाइजरी जारी। बिहार पुलिस की विशेष शाखा के SP के द्वारा एडवाइजरी जारी कर वैसे भोजपुरी गानों पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी गई है जो द्व्यर्थी होते हैं। बता दें कि इस एडवाइजरी को जारी कर राज्य के सभी जिला पदाधिकारी और सभी SSP को सूचित किया गया है कि भोजपुरी में कुछ गायक ऐसे हैं जो अपने गानों से कई लोगों के गरिमा को ठोस पहुंचाने का काम करते हैं, जिस वजह से समाज में सामाजिक सद्भाव माहौल बिगड़ने की संभावना रहती है। ऐसे गाने तथा सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के अवैधानिक अमर्यादित कृत्यों पर निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। बता दें इन दिनों लगातार ऐसे गाने गाए जा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे गानों को गाने वालों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा यह कदम उठाया गया है। बिहार में पहली बार नैक मूल्यांकन के लिए 136 कॉलेजों को एक साथ दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार के वैसे कॉलेज जिन्होंने अब तक नैक में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन कॉलेजों को नैक मूल्यांकन के लिए आज एक साथ बिहार की राजधानी पटना में स्थित AN कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि इस ट्रेनिंग में राज्य के 136 कॉलेज शामिल होंगे। मालूम हो कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि नैक मूल्यांकन के लिए इतने कॉलेजों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार अब नैक को लेकर काफी गंभीर हो गई है और राज्य के सभी कॉलेजों को नैक से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। और अगर कोई कॉलेज नैक से मान्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसे UGC की ओर से दी जाने वाली फंड का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही कॉलेज कई और योजनाओं से भी वंचित रह जाता है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बाबा गरीबनाथ धाम के बारे में। बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर मुजफ्फरपुर शहर के दिल में स्थित है। बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। यहां भगवान शिव की मूर्ति बाबा गरीबनाथ के रूप में मंदिर में स्थापित है और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि मंदिर का काफी पुराना इतिहास है। ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा गरीबनाथ धाम का 300 साल पुराना इतिहास रहा है, लेकिन मिले दस्तावेज के अनुसार 1812 ईस्वी में इस स्थान पर छोटे मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना होती रही थी। मान्यता है कि यहाँ के घने जंगल में 7 पीपल के पेड़ था। जब उन पेड़ों को काटा गया तो अचानक खून जैसे लाल पदार्थ निकलने के बाद विशालकाय शिवलिंग मिला। उसके बाद जो उस जमीन का मालिक था उसे रात में बाबा ने स्वप्न दिया, जिसके बाद शिवलिंग की स्थापना कर वहाँ विधिवत पूजा अर्चना की जाने लगी।
बिहार के 3 एसपी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हैदराबाद। बिहार के 3 नव प्रोन्नति एसपी 27 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक अपनी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद जाएंगे, जहां इन सभी का 44वां इंडक्शन कोर्स होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 3 एसपी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाने वाले हैं, उसमें बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, रेल पुलिस अधीक्षक पटना अमितेंदु शेखर और कैमूर के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के नाम शामिल है। हालांकि जब तक इनकी ट्रेनिंग चलेगी, तब तक इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, जो इनके कामों को पूरा करेंगे। बता दें कि गृह विभाग के द्वारा इन तीनों एसपी के स्थानों पर जिनकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, उनमें विशेष शाखा के एसपी दीपक बरनवाल, बीएमपी के समादेष्टा प्रमोद कुमार मंडल और बीएमपी 2 के कमांडेंट हृदय कांत का नाम शामिल है। बिहार में परीक्षा के लिए बच्चियों ने लगाई मैराथन दौड़। राज्य में इन दिनों बिहार मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। इसी बीच बिहार के कैमूर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसमें एक या दो बच्चियां नहीं बल्कि दर्जनों बच्चियां दौड़ लगाती नजर आ रही हैं। दरअसल यह सभी बच्चियां बिहार मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही थी, लेकिन शहर में NH2 पर लंबी जाम लगी थी, जिस कारण लड़कियों को सड़क पर दौड़ लगानी पड़ी। शुरुआत में इन बच्चियों को देखने वाले लोगों को ऐसा लगा जैसे ये मैराथन दौड़ रही है, लेकिन जब बाद में इनसे दौड़ने की वजह पूछी गई तो यह मामला निकल कर सामने आया। बता दें कि इस दौरान इन बच्चियों ने लगभग 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। वह इनके दौड़ने के दौरान किसी ने इनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत जल्दी बिहार में सस्ती गाड़ियों की लगनी है सेल। अगर आप भी बाइक या कार जैसे कोई वाहन सस्ते दामों में खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बहुत जल्दी बिहार में नई नियमावली के तहत पकड़े गए वाहनों की जिला स्तर पर नीलामी होने वाली है। लेकिन अगर आप भी वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिलहाल गाड़ियों की नीलामी की शुरुआत बिहार के गोपालगंज से हो रही है, जहां 218 वाहनों की नीलामी की जाएगी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन भी लोगों को वाहन लेना है, वह 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वो जिस गाड़ी की खरीदारी करना चाहते हैं, उन्हें उसका निर्धारित रेट का 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन करने वाले लोग ही नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को वाहन दे दिया जाएगा। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के वेतनमान पर हाईकोर्ट का अहम निर्देश। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी बजंतरी की खंडपीठ के द्वारा बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को 5वां और 6ठे वेतन आयोग की अनुशंसा को लेकर बलिराम सिंह की अपील पर सुनवाई कर यह आदेश दिया गया है कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को 5वां और 6ठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में 1 जनवरी 1996 से 5वां वेतन आयोग और 6ठा वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2006 से अब तक का लाभ 4 माह के भीतर दिया जाए, और अगर कर्मचारियों को 4 माह के भीतर धनराशि नहीं दी जाती है तो निगम को उन्हें 8% ब्याज के साथ धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया। सभी जिलों को टॉप अपराधियों को सूची तैयार करने का आदेश। राज्य में अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके, इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के टॉप अपराधियों की एक सूची तैयार करें, ताकि इन सभी अपराधियों पर CCA यानी कि क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाने की पहल शुरू की जा सके। बता दें कि इस कार्य को अभियान के तौर पर किया जाएगा, जिसमें अपराधियों को तरीपार या जिला बदर करने के अलावा उनकी गिरफ्तारी कराने या बेल रद्द कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि वैसे जिले जहां आपराधिक गतिविधि सबसे अधिक होते हैं, उन जिलों को इस पर विशेष तौर पर पहल करने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश दिया गया है। ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के अनुसार यह पहल अपराधियों के मनोबल को तोड़ने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए शुरू की गई है। 27 शराब तस्कर गिरफ्तार। इन दिनों उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा राज्य में लगातार शराब तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के जहानाबाद का है, जहां बीते दिन उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा नगर थाना क्षेत्र के बबना मुठेर सहित जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाते हुए 27 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि इन 27 तस्करों में 11 महिला शामिल थे। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की टीम को इस अभियान के दौरान 24 लीटर शराब और 2800 केजी जावा महुआ बरामद किया गया और फिर उसे नष्ट कर दिया गया है। वह इस मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह अभियान वरीय अधिकारियों के निर्देश पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत वैसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो शराब पीते हैं या पिलाते हैं। बिहारी बोतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पीके ठाकुर के बारे में। प्रमोद कुमार ठाकुर या पीके ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 1958 में हुआ था।
यह भारत में बिहार राज्य के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी है। उन्होंने जून 2014 से फरवरी 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति तक बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार में महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। केंद्रीय पुलिस संगठन में महानिरीक्षक के रूप में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड डिस्क से सम्मानित किया गया। उन्हें अक्टूबर 2018 में बिहार राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। ठाकुर को 1997 में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2005 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में फिर से चढ़ने लगा पारा। बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल लिया है। एक दिन पहले तक ठंडी हवाओं से जहां सर्दी का एहसास देखने को मिल रहा था, वहीं अब हालात बदलते दिख रहे हैं। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा समेत ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान ऊपर गया है। लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी पारा कुछ और ऊपर जाएगा। हालांकि रात और सुबह में अभी हल्की सर्दी का असर बने रहने के आसार है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सूबे के सभी जिलों में बीते दिन अधिकतम तापमान में उछाल नजर आया। हर जगह से 1 से 2 डिग्री तक पारा ऊपर गया है। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में सुबह और शाम के समय उत्तर पश्चिमी शुष्क हवा का प्रभाव बना हुआ है। ऊपर से पछुआ का प्रभाव भी है, जिससे हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है। राजेंद्र विश्वनाथ हलेडकर ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण दिन राजेंद्र विश्वनाथ हलेडकर ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण ले लिया। बता दें कि बिहार के पहले वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हलेडकर पहले गोवा से बीजेपी के विधायक थे और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। बचपन से ही RSS के हार्डकोर वर्कर रहे हलेडकर ने गोवा में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वे 1989 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने गोवा में विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा को कागज मुक्त बनाने की बेहतरीन पहल की। वे 2002 से 2007 तक पहली बार विधायक रहे, फिर 2012 से 2015 तक गोवा विधानसभा के स्पीकर रहे। वहीं 2015 से 2017 तक राज्य के पर्यावरण मंत्री के रूप में रहते हुए गोवा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले हलेडकर का बिहार का राज्यपाल बनना बेहद अहम माना जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी के सामने सुधाकर सिंह पर बरसे सीएम नीतीश। बीते दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर कर्पूरी संग्रहालय में आयोजित हुए राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया के द्वारा सुधाकर सिंह के द्वारा उनके खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने ही सुधाकर सिंह की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्यों किसी का नोटिस ले रहे हैं, उनको पता है कि हमारी सरकार किसानों के लिए कितना काम कर रही है, राज्य में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कृषि रोड मैप से लेकर बाकी अन्य क्षेत्रों में अब तक कितना काम हुआ है, उनको कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है उनसे यह पूछिए कितना काम हुआ है और कितना प्रोग्रेस हुआ है। इसके साथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि कौन क्या बोलता है उससे जुड़ा सवाल उनसे मत पूछिए, मेरे खिलाफ बोलेगा तो पार्टी में वैल्यू बढ़ेगा और फिर नया नेता बनेगा, लेकिन ऐसा करने पर वह जनता को नेता कभी नहीं बन पाएगा। सम्राट चौधरी, बिहार में असली मुख्यमंत्री कौन। मंगलवार से बिहार के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनकी पार्टी की तरफ से बजट सत्र में नीतीश कुमार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बजट सत्र में हमारे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सारे फैसले को लेने के लिए तेजस्वी यादव की ओर देख रहे हैं, उसके बाद यह बताना मुश्किल हो गया है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री है कौन, नीतीश, तेजस्वी या लालू प्रसाद। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार से कोई काम नहीं हो पा रहा है, उनकी अब उम्र भी हो गई है, ऐसे में अब उन्हें आराम करना चाहिए, उनके लिए भाजपा अपने खर्च से एक कुटिया बनाकर देगी। कुशवाहा ने लालू से बेहतर बताया नीतीश का शासन। बीते दिन जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजधानी पटना में पटेल सेवा संघ दरोगा राय पथ पर कुर्मी गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती समारोह सह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 35वां पुण्यतिथि पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछला 15 साल और नीतीश कुमार का 17-18 साल का कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पहले वाला 15 साल था, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी, जिसे लोगों ने रिजेक्ट करके नीतीश कुमार के हाथ में बिहार का सत्ता सौंपा था, लेकिन अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक नीतीश कुमार अपने मन से निर्णय लेते थे, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था बिहार में, लेकिन अब जब से उनके अगल बगल में 4 लोग बैठ गए और उनके इच्छा से नीतीश कुमार चलने लगे हैं, तब से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उन लोगों की इच्छा से नहीं चलना चाहिए।
भारतीय मूल के नील मोहन बने यूट्यूब के नए सीईओ। साल 2014 से यूट्यूब की सीईओ रही सुशान वोजस्की ने अब अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन का चयन किया गया है। यानी कि अब यूट्यूब का नया सीईओ नील मोहन होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नील मोहन 2007 में डबल क्लिक अधिग्रहण के साथ गूगल से जुड़े थे, जिसके बाद वर्ष 2015 में उन्हें यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया गया और अब वे यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुने गए हैं। वहीं इस पर नील मोहन ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि धन्यवाद सुशान वोजस्की, वर्षों से आपके साथ काम करना अद्भुत रहा है। आपने यूट्यूब को रचनाकारों और दर्शकों के लिए एक असाधारण घर बना दिया है। मैं इस महत्वपूर्ण मिशन को जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ। अब स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक साथ कर सकेंगे दो कोर्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के द्वारा 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के कुलपति के साथ बैठक कर नए सत्र यानी कि 2023-24 में बदलाव को लेकर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 4 साल के डिग्री कोर्स को लागू करने पर सहमति दे दी है और साथ ही यूजी और पीजी कोर्सेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की गाइडलाइंस को लागू करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद ऑनर्स डिग्री दी जाएगी। इसके साथ ही इस दौरान छात्र चाहे तो दोनों कोर्स ऑफलाइन तरीके से भी पढ़ सकते हैं और अगर चाहे तो एक कोर्स ऑफलाइन और एक कोर्स डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के माध्यम से भी कर सकते हैं। रोहित राहुल क्रीज पर, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 263 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 263 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सबसे अधिक 81 रनों की पारी खेली। उनके अलावा पीटर हैंडस्कोब ने नाबाद 72 रन बनाए, जबकि कप्तान पैट कमिंस ने 33 रन बनाए। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 9 ओवरों में 21 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित 13 और उप कप्तान केएल राहुल 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। बीते दिन सेंसेक्स 316 अंक लुढ़का। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को कमजोर ग्लोबल संकेतों और आईटी शेयरों में तेज बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स जहां 316 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी 17,944 के नीचे फिसल कर बंद हुआ। इसमें सबसे अधिक गिरावट जिन शेयरों में देखने को मिली, उसमें रियल्टी, टेक, बैंकिंग, आईटी और टेली कम्युनिकेशन शेयर शामिल है। इसके अलावा फार्मा, फाइनेंशियल, मेटल और ऑटोमोबाइल शेयरों के इंडेक्स भी बीते दिन लाल निशान पे बंद हुए। इस गिरावट के चलते निवेशकों को बीते दिन शेयर बाजार में करीब 1.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 316.94 अंक या 0.52% अंक टूटकर 61,002.57 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 91.65 अंक या 0.51% से लुढ़क कर 17,944.20 के स्तर पर बंद हुआ। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। जहांगीर ने सन 1614 को मेवाड़ पर कब्जा किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। 1911 में विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में शुरू हुआ। मुंबई में 1946 में रॉयल इंडियन नेवी नौसेना का विद्रोह हुआ। भारत ने 1971 में अरबी सैटेलाइट स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क कायम किया। सी सुब्रमण्यम 1998 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। बांग्लादेश और भारत के बीच 1999 में बस सेवा पर समझौता हुआ। भारत व पाकिस्तान के बीच 2006 में थार एक्सप्रेस आरंभ हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008 में स्विस बैंक यूडीएक्एजी को देश में कारोबार करने का अनुमति दी। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव 18 फरवरी साल 2014 में ही लोकसभा में पारित किया गया। 1925 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की कथाकार एवं निबंध लेखिका कृष्णा सोबवती का जन्म हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का 2016 में निधन हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वेबसाइट लिंक के साथ एक मैसेज इस दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है कि भारत सरकार सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रसारित लिंक फर्जी है, सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।
प्रशांत किशोर का विरोधियों पर निशाना। बीते दिन अपने जनसुराज यात्रा के दौरान राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सिवान में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में वापस आ गई है और बिहार की सत्ता की पूरी कमान राजद के हाथ में चली गई है, तब तो यह स्वाभाविक है कि राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी की पार्टी का यही चरित्र बन है। बिहार की जनता ने यह खुद 15 सालों तक देखा है। जब भी ये लोग सत्ता में आते हैं तो अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है और अब एक बार फिर से वही हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना पर कहा कि दलितों और मुसलमानों की गणना तो आजादी के पहले भी होती थी, लेकिन उनकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि गणना करवाने से उनकी स्थिति में सुधार आ जाएगी, तो उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है। यहां सिर्फ जातीय गणना के माध्यम से समाज में उन्माद फैलाकर उसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। बीते दिन माधवा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने माधवा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, पुष्पेंद्र राय, पंकज कुमार दास, दीपक कुमार, कमलेश शर्मा, ब्यूटी झा, अनमोल कुमार, प्रहलाद कुमार, महमूद अंसारी, मोहम्मद नौशद राजा, राजीव कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, राम नरेश यादव, जीवनाथ मंडल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नैक मूल्यांकन के होने से बिहार के कॉलेजों की स्थिति में कितना सुधार होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।